सोनोटेक कैसेट्स। कौन है बे? करुणवीर भाई, मुझे मुझे माफ कर दो। तो आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये सारी हत्याएं करमवीर गैंग ने की है? जिसकी आंखों के सामी उसके जवान बेटे कत्ल कर दियो, वे निर्भाग आंख उनका कातिल गुना पिछाड़े तो और कौन पिछाड़ेगा। अच्छा, ये घटना लगभग कितने बजे की है? 1:30-2 बजे होंगे साहब। कितने लोग थे? 4। अच्छा, ये बताइए कि तुम्हारा लड़का करता क्या था? खेती बाड़ी कर रहा था साहब। लेकिन हमने सुना है कि करमवीर के यहाँ जो घटना हुई थी उसमें उसका भी हाथ था। तुम लोगों में से ऐसा कोई है जो इस घटना के बारे में कुछ बता सके? देखिए, जब तक आप उससे इस तरह डरते रहेंगे वो इसी तरह हत्या पे हत्या ही करता रहेगा। साहब, जो वो पुलिस पे ही ना पकड़ा गया तो लोग उसका क्या कर सके? ऐसा नहीं है, जिस दिन वो मेरे सामने आ जाएगा वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। साहब, हमें ये कब तक मिल जाएंगे? पोस्टमार्टम के बाद। पोस्टमार्टम? लाशों की पोस्टमार्टम हो जाती है, ये भी पता चल जाता है कि हत्या किसने किया, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है? वही हत्या, वही लूट, वही डकैती। देखिए मंत्री जी, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि करमवीर पकड़ा जाए, लेकिन उतना चालाक है, पकड़ा जाना तो दूर, अपनी चाल भी समझने नहीं देता। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि करमवीर है क्या जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हो, इसे पकड़ नहीं पा रहे हो। हमें उम्मीद है कि वो जल्दी पकड़ा जाएगा। पिछले कई महीनों से मैं सुन रहा हूँ कि अब पकड़ा जाएगा। पकड़े जाने की बात तो दूर, आप अभी तक सुराग तक पता नहीं लगाए, अगर जरूरत पड़े तो आप इनाम बढ़ाओ। वो तो मैं बढ़ा चुका हूँ, अब उस पर 1,00,000 का इनाम कर दिया गया है और सब इंस्पेक्टर ब्रह्मपाल को इस केस का इंचार्ज बनाया गया है, जिन्होंने 1 हफ्ते के अंदर करमवीर को पकड़ने का वादा किया है। कैसे भी हो, करमवीर को पकड़ा जाना चाहिए, आखिर हमें जनता को जवाब देना पड़ता है। सर, अब जो भी जवाब देंगे हम देंगे, और जिसे मरना है वो है टाको करमवीर। Thank you.
तुम हो डाकू करमवीर भेदभाज, हम तुम्हारी मदद चाहते हैं। हमारी मदद करने में ही तुम्हारी भलाई है। अगर हमें जबरन मदद लेनी पड़ी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कैसी मदद? मुझे बस करमवीर का ठिकाना बता दो। मैं तो क्या, अब तो खुद करमवीर को भी अपना ठिकाना पता ना होगा। बात को घुमाने की कोशिश मत कर बुड्ढे। साथ सीधी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। मैं जानता हूँ तुम्हें लूटपाट और डकैती का खाने की आदत पड़ चुकी है। बेटा डांके डालता है, बाप ऐश करता है, फिर तुम क्यों बताने लगे उसका पता? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, और मुझे पता भी होता तो शायद मैं तुझे नहीं बताता। शायद तुम्हें पता नहीं है कि पुलिस के पास पूछताछ के कितने हथकंडे होते हैं। पुलिस के धोरे हथकंडे और पूछताछ के सिवा होए वे क्या है? बुड्ढे, अभी तू मेरे हत्ते नहीं चढ़ा, उल्टा लटका दूंगा। करमवीर तो क्या पिछली 7 पुस्तों के बारे में बता देगा। अपने बाप से भी इसी तरह बात करता होगा। बुड्ढे, मेरा बाप किसी डकैत का बाप नहीं है। तो मेरा बेटा भी कोई डकैत नहीं है। वो डकैत नहीं तो क्या साधु है? साधु उससे भी आगे। आज का वक्त तुझे देता हूँ, कल फिर आऊंगा। या तो पता तैयार रखना, या जेल जाने के लिए खुद तैयार रहना। जुबान चले तेरी, वर्दी पहर के भूल जाए, अब बुजुर्गों से कैसे बात करी जाए? या तुम्हें तथा बताता, अगर मेरी भी बंदूक मेरे हाथ में होती। इसके लिए तो सारी उम्र पड़ी है, जल्दबाजी की है। फिलहाल तो मैं तुझे ये बताना आया हूँ कि वर्दी पहर के तू बुजुर्गों से कैसे बात करेगा। हरकत तुझे बहुत महंगी पड़ेगी करमवीर। महंगा सस्ता देखना तेरे जैसे दलालों का काम है, करमवीर का नहीं। तुम आ तो अपनी मर्जी से गए हो यहाँ, लेकिन वापस नहीं जाओगे। मैंने भी कसम खाई है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। मैंने भी एक कसम खाई है, और जब तक मेरी कसम पूरी नहीं होती मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। तुम्हारी जान बच सकती है करमवीर, अगर तुम खुद को मेरे हवाले कर दो। करमवीर को अगर जान बचाने के लिए तेरे सामने झुकना पड़े, ऐसी जिंदगी करमवीर खुद खत्म कर लेगा। एनकाउंटर में मरने से बेहतर है तुम अपने हार स्वीकार कर लो। शेर का शिकार कुत्ते नहीं किया करते। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ फौजी। और मन ने तुझे जो पहली बार समझाया है, बस तू उसे याद रखेगा। एक बार फिर कहता हूँ, सरेंडर कर दो अपने आप को। चलता हूँ, लेकिन तुझे जो बताया है उसे गांठ बांध लियो।
बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ इस तरह क्यों लाए हो? ये हमारा साथी है, इसका गोली लग रही है, तुम्हें गोली निकाल दो। गोली इस तरह निकाली जाती है? कौन हो तुम और ये कौन है? हम तुम्हें सारी बात बता देंगे, पहले तुम इसकी गोली निकाल दो। देखिए ये पुलिस केस है, पहले इसकी रिपोर्ट थाने में लिखवाओ, फिर से हॉस्पिटल लेकर आओ। अजी हम तारे हाथ जोड़े हैं, तुम इसकी गोली काट दो। तुम लोग समझते क्या नहीं हो, ऑपरेशन के बिना गोली नहीं निकाली जा सकती। और यहाँ मेरे पास सामान भी तो नहीं है। थारा सारा सामान मैं साथ ही ले आया था। मैं इस तरह गोली नहीं निकाल सकती और मैं तुम जैसे डाकू की बात क्यों मानूं? बहुत देर से तेरी टैटे सुन रहा हूँ, निकाले गोली या घुसेड़ दूं तेरी खोपड़ी में भी एक। गोली मार दोगे मुझे? जान ले लो मेरी। और तुम्हारा काम ही क्या है? गोली चलाना, खून बहाना, निर्दोषों को मारना, शरीफ लोगों को जबरन उठा लाना, और तुम जैसे डाकू कर भी क्या सकते हैं? अरे केली आयु छोड़ आओ, इसे ना खून हो जाएगा इसका मेरे पे। नहीं, अगर यह गोली नहीं काटती तो इसे भी गोली खानी पड़ेगी। आहा, मार डालो डाकू लुटेरो। देखो जी, हम तुम्हारे हाथ जोड़े हैं, हम तो डाकू लुटेरे सही, पर तुम तो एक डॉक्टर हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। एक इंसान की जान तुम्हारे सामने जान लगी, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसकी जान बचाओ। अगर ये मर गया तुम्हारा एक ऐसा काम अधूरा रह जाएगा जिसके लिए हम आपको तो क्या ऊपर वाले को भी माफ नहीं कर सकते। ओहो, चोरी डकैती के अलावा भी कोई ऐसा काम है जिसके लिए तुम भगवान को ही माफ नहीं कर सकते? जरा मैं भी तो सुनूं ऐसा क्या काम है। अजी हम तुम्हें सारी बात बता देंगे, पहले तुम इसकी जान तो बचाओ, गोली तो काटो। ठीक है, लाइए मेरा सामान। हेलो, मानालोनी, इंस्पेक्टर अजय चौहान स्पीकिंग। सब इंस्पेक्टर ब्रह्मपाल का मर्डर हो गया है। किसने किया? करमवीर ने। ठीक है, आप हेडक्वार्टर खबर कीजिए, मैं तुरंत पहुंचता हूं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर वर्मा को कुछ लोग उठाकर ले गए। कब? अभी थोड़ी देर पहले। कहां से? पुश्ते वाली रोड से। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? देखिए गोली निकल चुकी है, पर घाव इतना गहरा है कि किसी भी हॉस्पिटल में लगातार इलाज कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो सेप्टिक फैलने का खतरा है। डॉक्टर साहब, हमारी मजबूरी है कि हम इसे किसी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करा सकते। तो ऐसा काम ही क्यों करते हो जिससे अपनी और दूसरों की जान का खतरा हो? कहीं आ जा ना सकते हो? समाज इसे घृणा की नजरों से देखता है। ये बंदूक हमने खून बहाने के लिए नहीं, देश की रक्षा के लिए उठाई थी। तो क्या बंदूक अपने आप खून बहाने लगी? नहीं डॉक्टर साहिबा, ये एक बड़ी दर्द भरी कहानी है, बड़ी खुशी का दिन था। अरे कितनी दूर और चलवा लगा, इस गांव में कोई बस वस ना जाती है के? अरे हमें सुद्धा गांव में ना घुसना था, इसलिए इधर से आए हैं। अरे तू अपनी बहू देखने के चक्कर में मारी जग छुड़वा देगा। देख वे आ रही है, इनसे पूछते आओ। हाँ। हाँ। हमें राक्षेड़ा जाना है जी। तो चले जाओ, हम कद रोक रहे से? नहीं नहीं, मेरा मतलब है हमें रास्ता बता दो। तुमने रास्ते का भी ना पता से, यो जो से इसे रास्ता कहवे? यो तो हमें पता है कि इसे रास्ता कहे, पर हमें राक्षेड़ा जाने वाला रास्ता बता दो। थारी कोई रिश्तेदारी से उड़े? हाँ हाँ, हमारे वहाँ ससुराल है। यू मुँह और मसूर की दाल। हम उस गाँव से आए हैं जहाँ थारी जिज्जी भी आई जाएगी। ये मनने लागे ये यूपी ते आए से, कदे चोर ना हो अड पिट के जा। क्यों, इसमें पिटने वाली कौन सी बात है? तेरी पेंट फाट री, तेरी बुरसट फाट री, तेरी पेंट फाट री, ओ तेरी बुरसट फाट री। तू कितका, तू कितका, तू कितका बड़ा फिरे से हीरो, तेरी सैंडल फाट री। तू कितका बड़ा फिरे से हीरो, तेरी सैंडल फाट री। तेरी चाल है तिरछी, तेरी बातें हैं मिर्ची, ओ तेरी चाल है तिरछी, ओ तेरी बातें हैं मिर्ची। कहाँ की कहाँ की कहाँ की बड़ी फिरे है मैडम, तेरी आंखें हैं तिरछी। कहाँ की बड़ी फिरे है मैडम, तेरी आंखें हैं तिरछी।
तने मैं कदसी नाटरी तू आजा बन जाइए नौकर तने मैं कदसी नाटरी तू कितका तू कितका तू कितका बना फिर से हीरो तेरी सैंडल फाटरी तेरी पेंट फाटरी ओ तेरी बुलसट फाटरी तू कितका तू कितका तू कितका बना फिर से हीरो तेरी सैंडल फाटरी तू कितका बना फिर से हीरो तेरी सैंडल फाटरी सहरा बंदवा के तुझे ले जावेंगे ब्याह के तू राजी नहीं हुई छोरी तने ले जावेंगे ठाके आवेंगे सहरा बंदवा के तुझे ले जावेंगे ब्याह के तू राजी नहीं हुई छोरी तने ले जावेंगे ठाके रुके ते भी नहीं रुके चाहे चल जइयो बरछी रोके ते भी नहीं रुके चाहे चल जइयो बरछी कहाँ की कहाँ की कहाँ की बनी फिर है मैडम तेरी आंखें हैं तिरछी तेरी चाल है तिरछी तो तेरी बातें हैं मिर्ची तू कहाँ की बनी फिर है मैडम तेरी आंखें हैं तिरछी तू कहाँ की बनी फिर है मैडम तेरी आंखें हैं तिरछी राज सिंह का मैं हूँ पोता तेरे ते ब्याह की तैयारी रहना है जी ये तो थरे ते मिलने की तैयारी सी कर रहे हैं मुंह पोछने से कौन सा गोरा हो जाएगा मुंह पे मत जाओ यो दिल देखो यो कितना साफ है ए बंटे का मुंह तो देखन दो बटे उस तरह से आता ही बस थोड़ी नाक ही मोटी है ए नाक तो नहीं लग रही से ठीक से खाले ना ये रुपए उठा ले और हमने बदल के दे दे मेरा ही बावड़ा दिखे से 11 तुम्हारे ना थे 501 लूंगी मकायू मुंह थरा 501 कना है और कितने का से रे इसके तो 250 रुपए भी फालतू है तेरे हो तो 1000 भी को ना लूं इससे तो 501 लूंगी रे ना मानती हो तो 100 बता दे दो कौन ना मानू 501 लूंगी ए बार होने लग रही से जल्दी करो खूब देख ले लख में एक है माल सुमन मारा करमवीर भी किसी तक कम ना है करोड़ में एक है तू नहीं लग रहा था ए जल्दी करो ए छोरे पंडित रुके दे लग रहा था मारा के है सुमन नीचे
ਕੇ ਖੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਖੜਾ ਹੋ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵੇ इतना समझाऊं तेरी समझ में ना आता। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? मैंने तू कितनी बार समझा लिया कि ऐसे आदमी धोरे मत बैठे कर जिनके काम ठीक नहीं, तू फिर भी नहीं मानता। तू बरात में भी एक ऐसे आदमी को गैल ले रहा था। मैंने तुझे वहां कुछ नहीं कही, चल बरात का मामला है। तो खामे खा डरा है, ये काम भी तो आता है। किसी दिन इनके चक्कर में तो तू जेल जाओगा या मरेगा। अरे भाई के ताश से खेल रहे हो? ताश? अरे सीप लगी भाई का डबल, अब तो पीसना ही पीसना पड़ेगा। और मारे होते हुए पीसना पड़ जाए भाई को? भाई का पीछना तो तू ही करया करेगा। भाई तो कुछ पूछ तो सही। पूछेंगे, आज तो नाइट लगेगी। भाई बरात में तो तुमने कहता रहा कुछ लफड़ा ना हो जा, लफड़ा ना हो जा। ईब तो कुछ जुगाड़ कर दे। ऐसी गर्मी में पी के मरोगे? गर्मी हो रही? अरे गर्मी हो रही तो बियर ही मंगवा दे। तुम ना मान लो भाई, तुझे तो बहू मिल गई, हमें बियर भी ना मिले भाई। लो अपने आप ले आइयो। ले आइयो के चल दिए हम तो। मैं भी इनकी गाली निकल जाऊं? अरे मैं नहीं कहूंगा, तड़की चला जाता दूर का रास्ता है ना। ऐसी कोई बात ना। और बुझ जाएंगे हम तड़की सारी बात। करमवीर? हाँ चाची। भैया ऊपर सो जाता ना? चाची मैं तो यहीं सो रहा हूँ। भैया मैं तो जो कह रही थी, बहू अकेली सो रही, कभी डर जा। तो तू सो जा वहाँ।
मैं तो यहीं सो रहा हूँ। चल भैया जैसी तेरी मर्जी। भैया मेरे बस की ना है, वहां सोना, वहां तो मच्छर ना झील दे रहे। चाची तू घूम रहे आज। भैया क्या करूं, तल की तो हम अपने घर भी न गए, वहां भी तो संभाल ना जाके। गर्मी लग रही है। खाना खा लिया? देखो हमारा परिवार ज्यादा बड़ा तो है नहीं, पिताजी आरती और मैं बस तीन लोग हैं, चौथी तुम आ गई हो। पिताजी बहुत ही भले आदमी हैं, फौजी रहे हैं तो थोड़े कड़क हैं। रही आरती, उसको मैं और पिताजी अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करें, और मैं चाहूं कि तू भी उसे उतना ही प्यार दे कि उसे माँ बहन और भाभी तीनों का प्यार तुमसे मिले। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? मैं भी कितना पागल हूं, तुम्हारा घूंघट तो उठाए ना और बात करने लगा। घूंघट तो उठान दे, अब की होया? कोई आ जाएगा? अरे मैं भी कितना पागल हूं, यू तो बंद करना ही भूल गया। अब ठीक है, अब तो घूंघट उठा लूं। वाह, फुर्सत में घड़ी हुई है। तुम्हारे हाथ कितने सुंदर और नरम हैं, और ये हथपूल इन पर कितने सजे हुए हैं। तुम्हें पाकर मैं इतना खुश हूं कि मेरे जीवन में इतनी बड़ी खुशी शायद कभी नहीं आ सकती। तुम भी शादी से खुश हो ना? हाँ। इतनी खूबसूरत बहू मुझे मिलेगी ये तो मैंने सोचा भी ना था। तुम्हें भी मैं पसंद हूं ना? हाँ। एक पंडित जी कह रहे थे कि किसी की बहू मुंह से ना बोल के गर्दन ज्यादा हिलाती हो तो उसका पति जल्दी मर जावे। नहीं। जुबान तो है। तुम्हारा ये हार बड़ा खूबसूरत है, किसने बनवाया? माँ ने। लगता है तेरी माँ तुझे बहुत चाहे।
हाँ बहुत चाहे से। अच्छा तुम्हें रंग कौन सा पसंद है? नीला। नीला तो मुझे पसंद है। ये तुम्हें चुभेंगे सोते हुए उतार दूं? अच्छा तुम्हें मेरे से डर लग रहा है? क्यों? डर क्यों लग रहा है? वो सहेलियां कहती हैं कि के मैं सहेली हूँ? कुछ ना, मुझे लग रहा तू थक रही है। मैं भी थक रहा हूँ, चल लेट जावा। तुम्हारे भाई कितने? एक। और बहन? अरे अरे मेरी ना आगे हट। पिताजी चाय। ए लड्डू की प्लेट ले जा तू, मीठे तो तू जी सा भर रहा। अरे करमवीर ना उठा। नहीं तो उसे उठा, करंट आ रहे खेत भर लेगा। जी पिताजी। यार कुछ टाइम है ही सोने का भाई, टाइम में तो 4 बजे उठा देख रहे थे। भैया उठ जाओ, सुबह हो गई। ये उल्टी कमीज है।
हाँ भाई तू सो गया ना छिका फिर लौट गया। अरे हाँ खेत में चला था ये खेत सूखने लग रहे करंट आ रहा है इतना काम नहीं मर जाए अपना ही ठीक है। अरे हाँ परले खेत में गांव तो ना बढ़ी नू भी देख लिए देख भाई सलाम इसे कह मैं घोड़े बेच के सो खेले इसे कह मैं ब्याह करवा के रात जगा के ट्वेल चला के तड़की खेत में आके पढ़ के सो जाना। तुझे तो बहुत ज्ञान है भाई पर एक बात बता जंगले तो हम भी बहुत झांक लिए। करमे भाई करमे अरे भाई खड़ा होले टेम हो लिया मतलब सांझ होगी। अरे तुम अरे भाई खेत भर जा दिखे। हाँ भाई खेत भरने पड़ रहे हैं खेत। ओ भाई पर हम भरना का देखे कौन कौन सा खेत भर गया। खेत भर गया खेत भर गया पड़ोसियों के हरी तो भी क्यारी भी ना भरी। अरे तेरी जी पिताजी को पता चल गया ना इतनी गाड़ी देगा। अरे हटियो नाक का तो ठीक कर गया हूँ। अरे बैठ जा नाक के तो हमने ठीक कर दिए हम भी तो यहाँ पानी चला रहे। अब फिर तो तुम हमारे पानी का भी ध्यान रख सको। हाँ भाई रख देंगे। फिर तो ठीक है भाई मैं थारे खाने पीने का इंतजाम करके आऊँ और तुम बैठो। अरे सुन तो सही कर मैं अरे के सुनागा उसे तो एक चीज दिखाई दे रही है मारो की इंतजाम करेगा। अरे वो तो अपने इंतजाम में लग गया। कुछ खाने को दूं
ना बस पानी दे दे एक गिलास। क्या ढूंढ रहे हो भैया? कुछ ना वो है ना, वो पिताजी कहाँ गए? पता ना, बाहर को गए थे, आए ना। तू अकेली काम कर रही है, उसे भी लगा लेती। ऐसा बड़ा अच्छा लगे? फिर भी थोड़ा बहुत कुछ करवा ले करें। अब काम की जब करवा लूंगी। मतलब भाभी अपने घर गई। बात ना पूछते, बिगड़ जा से। बिगड़ जान दे हमने तो। हाय, मन्ने तो शरम आवे मेरे बस की ना से। ओहो, मारे तो शरम आवे, मां शरम ना आई तन्ने। रंग तो देख कैसा निखरे तेरा, ऐसे के जादू की छड़ी घुमा दी जीजा जी ने। मुंह छुपाने से काम ना चले, सीधे सीधे बता दे ना, तो हम करे शुरू बतानी। No।
मेरी बेल्ट कहाँ है? भैया सारा सामान नहीं लाया है। ए मुझे ना मिली। मुझे तो कुछ दिख ना रहा दिखे। आरती उनके दौरे हुए आती देर करवाऊंगी अब लो ना आए। अब मैं ना जा रही, दो बार जा ली। ले चाची आगे उसको पूछ ले। अरे वो कहाँ मरे अब लो ना आया? भैया मैं तो जानती ना, तड़की तो तैयार होने लग रहा। अब लोग तो यहाँ ना सारा सामान चारों ओर घूम रहे। आरती मेरी जुराब कहाँ है? देखिए अभी अब भैया जान तो जाइए, अब समझन का हमारी राम राम कह दिए। आरती लगते कैसे लग रहे हैं? तो वह कभी चाला फाड़ रहा क्या? बिल्कुल धक्कड़ सोना लग रहा है भाई। तो चावल में क्या सर? मोटरसाइकिल पे? अरे कार सी कर लेता, पहली बार बहू को लेने जा रहे हैं। अरे ब्याह में बतेरा खर्चा हो लिया या उससे लगा लगा हिसाब? मान जा, बिना कार के चला जा। अब जाना तो पड़ेगा। अरे थर चाची की गाल जा रही है के? देख लो कैसी बात कर थरता हूँ। अरे इन बार को के जरूरत है, चलो हम दोनों ले आऊंगे बहू को। बस भाई अब तो हम घर पे ठीक हैं। वो जान का टाइम तो इन बालकों का ही है। अरे सुधर जाइयो, यदि किसी चक्कर में पड़ो दूसरे के बाद ठीक ठाक जाना चाहिए। और किसी बात की जिद ना करा करते, जैसे वे बात कहें वैसे मान्य करें। जी ठीक है। सोच रही से बिना बाट दिखाए आ जाएंगे। अपने पापा ने देख ले बैठ तो वैसे निकट गया। एक कदी बटे आवाज उसका बेरा बिना पाटे है। बेरा क्यों ना पाटे? मैं तो घेर में रहूं सुया खेत में। मैं कौन सा पीठ में रहूं सु? आज बटे भी जाना था। हां आना तो बटे ने भी था, आया ना बिलो पता ना वार कर दी। ऐसा क्या हुआ? कौन आ गया इतना चल रहा था? वे आ गए, वे 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 कौन आ गया? मोटरसाइकिल पे आए सर, मोटरसाइकिल पे। ए लल्ली तू देखे कौन आ गया? मैं बताने लग रहा हूँ, बटे हुआ है सर, बटे हु। ए भगवान चा पानी लाओ, चा पानी जल्दी चा पानी लाओ। उन्हें बैठने तो दे, क्या उनके ऊपर घेर दूं? जी 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 नमस्ते। नमस्ते जी। तू तो कहीं ना कहीं लेरा से, ये हमारी लावणी करना है सके। लावणी के जी, तुम जो कहोगे हम तो वही कर देंगे। तू सा इतना? तू जितना चाह रही है उतना ही है। नमस्ते जी। वे कैसे हैं? वे वे मारे समझी जी, वे तो ठीक हैं जी। ठीक से तो फिर आए क्यों ना? अजी घर में भी तो कोई चाहिए। पानी नहीं आया अब लोग।
मारे इच्छुक क्या में लाया सब पानी और जो फिर मांगने लगे तो लोटे में नहीं लाया गया तुम के पढ़ो यूं कैसे हम पढ़ दें से सारी तमीज का तमाखू ले लिया थे पेंट में तो लगा भीचे लो भैया अपना तैमन कुछ मंगवा दूं उसमें तो लल्ला खुले खुले से है ना ना जी हम तो नहीं ठीक है तो ये जूते कर लो और पांव पर को कर लो कोई ना मौसा जी हम ऐसे ही ठीक है नहीं ठीक से तो लल्ला थारी मर्जी थारी राज जी इन्हें ऊपर बुला रहे से हाँ हाँ ऊपर जाओ ऊपर अच्छा नाश्ता कर लो आओ जी बैठो जी बैठो तुम तो गणेश शर्मा रहे सो कुर्सी के तो थारा पलंग भी तोड़ सके लोया कुर्सी लोया ठीक है अरे लाया बैठ जा इसमें कुछ कोई ना ले ये तो ये भी गिर गए ये तो पहले गिरे थे दोनों चीचा किसे छोड़े गए लाया थे जो मिनट में गिरे हैं इतनी हमदर्दी है तो उठा दो उठा दे हमारा बस चलाते ना छत पे से गिरा दे और तुम कह के तो देखो हम कूद जा कुतुब मीनार पता खान पीन तो हम के हाथ पकड़े से खा लो पर ये तो साफ फाड़ के देखे जैसे हम नहीं खावेंगे लल्लन का बुरा नाम माननी हो इनकी तो मजाक करने की आदत से हाँ जी ये सब मजाक ही तो था देख बटेऊ मेरी भी बात सुन ले अगर हमारी छोरी से कोई गलती हो जा तो उसे समझा दिए जी अगर उसकी समझ में कुछ ना आवे तो हमारे से बताइयो तुम सो नादान जी वैसे तो हमारी छोरी ने सारे काम सीख रखे अगर कुछ कमी नजर आवे तो उसे समझा दियो अपनी छोरी ने वो खासा ज्यादा सब दिया करे किसी की बातों पे ध्यान ना करा करते हैं दुनिया सौ बात का रख रहे हैं और बता तने कुछ कहना है ना जी बिल्कुल आराम से बोले से रोटी कम मिले सके रोटी रोटी मिली कहा अब मिलेगी हम तुम्हारी राम राम कह दी बेटा आ जाएंगे काम ना निपटायो नू नहीं दिखता रास्ता लंबा से बार उन लाग रही से जमाना खराब से अभी ऐसा ही हो जाए और ये लिकड़ते लिकड़ते टेम लगा दे Thank you.
इतना सामान लेके मोटरसाइकिल चली जाएगी? मन तो लगता कोई ना। अरे इस पर तो इतना सामान और देना जा सके। लो जी इसे भी संभालो। इतना माल गाड़ी होगी। अभी तो यह गाड़ी गाड़ी है, माल तो यहीं रह गया। अच्छा जी, अच्छा जी, राम राम, याद करोगे तो फिर आएंगे। बाय टाटा। अरे सॉरी, चल तू बैठ। खबर नहीं मेरी नींद उड़ा के ले गई तन्ने कुछ भी खबर नहीं सारा चैन चुरा ले गई तन्ने क्यों कर सबर नहीं खोया मेरी लौंग का ताला आई मन में शर्म घड़ी मेरी नींद उड़ा के ले गई तन्ने कुछ भी खबर नहीं खबर नहीं मेरी नींद उड़ा के ले गई तन्ने कुछ भी खबर नहीं की बातों में गड़ गिन गिन दिन कह बीत तार गिन रातों में हुआ मद होश रहा ना होश प्यार की बातों में गड़ गिन गिन दिन कह बीत तार गिन रातों में मैं कहूँ दर्द की बात क्यों कुछ तेरे असर नहीं खोया मेरी लौंग का ताड़ा आई मन में शर्म घड़ी खोया मेरी लौंग
प्रीत न लिया सब जीत नहीं कुछ मेरा है। मेरे भरतार तू ही सिंगार इतन मन तेरा है। ओ तेरी प्रीत न लिया सब जीत नहीं कुछ मेरा है। तू ही मेरी मांग की बिंद भी खबर नहीं। मेरी नींद उड़ा के ले गई तन्ने कुछ भी खबर नहीं। सारा चैन चुरा ले गई तन्ने क्यों कर सबर नहीं। खोया मेरी लौंग का ताड़ आई मन ने शर्म घड़ी। हो मेरी नींद उड़ा के ले गई तन्ने कुछ भी खबर नहीं। खोया मेरी लौंग का ताड़ आई मन ने शर्म घड़ी। मेरी लागे ले गई तन्ने कुछ भी खबर नहीं। हमारी तो टाट भी गंजी होगी, हमारा तो औलाद भी गंजी पैदा होगी। अरे इस डाल तो भाई हमारी लाज ही करू जावेगी। अरे मैं तो इस डलड़ी को फेंक रहा हूँ ना तो धरी सा अपने सिर पे। मैं मोटरसाइकिल ना चला रहा हूँ। अरे चाहे तू जहाज भी चला रहा हो पर यह डलड़ी अब तेरे ही सिर पे धरी जाएगी। अरे नीचे उतरो। अरे गिरवावेगा। अरे पहले से रोक तो सही, या तो रुकी पड़ी घनी देर से। अरे तू तो इसे ले उखड़ा है। अरे यू हमें बोझ मरवाएगा, यू ना ले जा रहा मैं कहीं भी। अरे उतरो तो सही, देखन तो दो इसमें क्या हो गया। अब देख रहा ढक्कन खोल के। अरे इसका तो तेल खत्म हो गया। हमें पहले ही पता था यू कहीं नहीं ले जा सकता। मन्ने पहले ही गई थी, अब जो मिला सिलाई मिली है उसका तेल गिरवा ले। पर मारी कौन सुने। अरे तुम रो मत ना, नू सोचो जावेंगे कैसे। अरे तू सोच, हम ना सोचते, मारी जिम्मेवारी तो हमारे सिर पे धरी। अरे मेरा बेटा पता ना कौन से रोड पे गुलगिड़ गया, नजर ही नहीं आ रहा। छे ससुराल घुमाए, बीच में लटका दिए, ना इंगे गिरे ना उंगे गिरे। अब तो यार पंप तक धकेलनी पड़ेगी। अपने आप धकेल, हम जिम्मेदार ना है। अरे मेरे भाइयों थोड़ा थोड़ा सा हाथ तो लगा लो, बाकी तो मैं अपना आप ही धकेल लूंगा। चलो देखो भाभी, भैया सामने काम कर रहे हैं।
तुम जाओ। नहीं आरती, तू मेरे साथ चल, मन ने तो डर लग रहा से। इसमें डरने की क्या बात है, वो मेरे भैया ही तो है, कोई भूत तो नहीं। पर मेरे दिल में तो धक धक हो रही से। हे भगवान, मैं तो जा रही हूँ, आप जानो आपका काम। आरती आरती सुन तो सही, मन ने छोड़ के मत जा आरती। तू अकेली कैसे आ गई खेती? अकेले ना आई, आरती छोड़ कर गई से। ठीक है, आइए आइए, आपका खेतों पर स्वागत है। अच्छा जी, स्वागत हो गया, अब आप खाना खाइए। उनकी मेहरबानी आज हम पर कुछ ज्यादा है, संभल के रहना करमवीर, पता नहीं क्या इरादा है। अच्छा जी, तुमने तो साईजी भी आवे से। पता ना तू के सिखा देगी। फिलहाल तो तुम खाना खा लो, आज तो रोटी का स्वाद भी निराला है। अच्छा यकीन ना आ रहा, खा के देख। अरे खा तो सही ना, तुम ही खाओ। बड़ा जी लगे से। तो रोज आ जाए घर। मैं तो आ जाऊं, पर घर का काम कौन करेगा? पागल क्या करें? वहाँ तो ऐसे गई है जैसे मैं पकड़ नहीं सकता। पकड़ के दिखा। अच्छा मुझे बाहर जाने दो। बाहर तो मेरे तो ही बूझ के जाओगी। छोड़ दो ना प्लीज ना। पानी गेर और गेर। अच्छा अकेले समझ के ऐसा कर रहे हो? छोड़ दो ना, देखियो मेरा क्या हाल हो गया। छोड़ दूंगा पहले एक। अच्छा, मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश। ये पिताजी आ जाएंगे। देख पिताजी का नाम देखे तो डरावे ना। करमे बाप रे, पिताजी आके दिखे। पिताजी क्या सोचेंगे, अब मैं क्या करूं? अब कहां छुपाऊं तुझे, पहले बाहर तो लिखड़। बाहर तो मेरे तो ही बूझ के जाओगी। छोड़ दो ना प्लीज ना। पानी गेर और गेर। अच्छा अकेले समझ के ऐसा कर रहे हो?
छोड़ दो ना, देखियो मेरा क्या हाल हो गया। छोड़ दूंगा पहले एक। अच्छा, मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश। ये पिताजी आ जाएंगे। देख पिताजी का नाम लेके तो डरावना। करमे बाप रे, पिताजी आके दिखे। पिताजी क्या सोचेंगे, अब मैं क्या करूं? अब कहां छुपाऊं तुझे, पहले बाहर तो लिखड़। मैं तो चलूं, मेरे गांव में भी एक दो काम है। जी। अरे तू क्या, तू तो सारा भिज्जा पड़ा। वो गर्मी सी लग रही थी। इतनी गर्मी तो ना है आज, पर फिर भी लगते तो तार लेता। लगते? हाँ हाँ लगते। ठीक है मैं जा रहा हूँ, अरे बुग्गी भी मैं लेता जाऊँ। बुग्गी तो मैं ले आऊंगा, वो आरती नहीं कह रही थी, अब पिताजी को घर जल्दी भेज दियो, अकेली है वो घर पे। अकेली? वो बहू कहाँ गई? बहू? बहू कहाँ गई? बहू तो यही है ना, ना घर है। तेरे की हो रहा है, ज्यादा लग रहा है, गर्मी लग रही है। गर्मी ज्यादा? वो आरती बुला रही थी, घर चले जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ, बुग्गी भी तू ही ले आइए। मेरी काली पैंट ले ली? हाँ ले। और वो सलेटी सी? सलेटी तो धोई धरी से। तुझे पता धोई धरी है? चल मैं दिखाऊं गंदी हो रही है। गंदी हो रही से तो मैं धो दूंगी। फिर कब धो देगी? अभी धो। तब नहीं धोई मिल जाएगी पर। करमवीर! और तीन तने कह दिया मैं हना। मिल जो ले यहां के कर रहा। मिल जो आओ थारे दोस्त से। फालतू बोलने की जरूरत है ना, जो मैं कह रहा हूँ काम करो। मैं इतनी देर तक बुला रहा हूँ, तेरे तो झूम भी ना चल रही। मैं कपड़े ना धो रही हूँ। ये तो बाद में भी धो जाएंगे। तुम तो पता ना कैसे, तो छोड़ दूँ मैं? हाँ मुझे छोड़ दे। आरती, ये कर्मे कहाँ है? मुझे तो पता ना भैया। ये और कहाँ जाने लगे हो? ना तो खेत में, ना यहाँ, और तो कहीं वो जाता भी ना है। अब मैं क्या बताऊँ भैया। लाली उसे एक बात कह दिए, अग ब्याह तो दुनिया के हो पर उससे तड़े तड़े। मैं ऊपर जा रहा हूं, तू वहां जा। जुलम हो गया। जुलम हो गया है दोगी? मैं तुझे पहले कह रहा था, अब उससे टेम ले ले।
अरे टेम को ना कहीं प्रधानमंत्री बन गया, एक बहू सी तो आ गई। अरे यू ही तो फर्क है उसमें मारे में। अरे मारे भी आ जाएगी, क्यों नु ही मरेंगे, फिर हम भी नहीं करा करेंगे। अरे इसकी बात में सोचिए, पहले उससे मिलने की सोच, उससे जरूर मिलना है। ठीक है फिर आ जा। कहाँ? अरे कहाँ मत पूछे, मेरे पीछे पीछे आ जा तू। देखो मैं आरती को आवाज लगा दूंगी। हाँ लगा, मैं भी ना छोड़ दूं। तुम कैसे तो मानते ना, मैं इतनी देर तक बुला रहा हूँ, पागल मान रही दिखता है। घर का काम ना करूं, बस थारे धोरे बैठी रहूं। तो मैं क्या करूं, ऐसा जी करे बस तुझे देखता रहूं। चलो हर तो मैं कपड़े सुखा के आ रही हूँ। नहीं फिर तो तू जरूर आओगी। जिम में कह रही तू आऊंगी। ठीक है पर पहले एक ही। हट पागल। तुम कहाँ तक टपक गए भाई? अरे ऐसे यार एक दो हो जा तो हम तो तावले ऊपर पहुंच जाएंगे। अरे तुम गिरे कहाँ थे वो न्यू तो बताओ। अरे तुम चुबारे पे करके रहे थे। अरे भाई मैं ते मिलना था। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के लेके चलता हूँ। काम कर लेने दे, क्यों आफत कर रही है? अरे तो मैं भी तो काम कर रही हूँ। तू काम कर रही है, धूल उठा रही है। तो झाड़ू उठा के धूल उठा से तो बाद में लगा लिए, पहले मुझे नार काट लेन दे। मरने और भतेरे काम से। हाँ मुझे यू ही एक काम है। तो तुम बाद में कर लियो। मैं तेरे मार दूंगा। अच्छा मारियो भला, जा खामखा पिट जाएगी। तुम हाथ लगा के तो दिखाइयो। देख मैं पिताजी से कह दूंगी। लेकिन कह पिताजी से। पिताजी अरे के बात है पिताजी, ये मन्ने मारे से। क्यों? मन्ने काम ना करन देते मारे से। याद है भाई तेरे घने हाथ पैर चलने दिखे हैं। कहाँ मार रहा हूँ, या तो वैसे ही कह रही है। अच्छा तू ठीक कह रहा, या तो वैसे ही कह रही। देख लो अभी फिर। हाँ क्या देखे या... चल कान पकड़ और सॉरी बोल। या तो कोई बात ना है। जल्दी कर कान पकड़। पिताजी तुम बेइज्जती मत करे करो। ताऊ राम राम। ताऊ राम राम। ताऊ मिठाई मंगा ले आज। तो आज क्या हो गया जो मिठाई मंगा लूं? देख ताऊ यह करमवीर की चिट्ठी है। अरे कहाँ तक आ गई चिट्ठी? ताऊ यह चिट्ठी ना है, कॉल लेटर है फौज का। अच्छा रे। हाँ हे भगवान तुमने सारे काम बना दी। ओ, तो मुँह मीठा करा दे। हाँ भाई क्यों ना, बैठो तुम। ए बहू जा जल्दी हलवा ले बना के। आराम से बिना ध्यान से।
बना दिया। तने रोटी खा ली? पानी ना दिया? के बाद तुझे कुछ किसी ने कुछ कहा? मन ने मारा था न्यू नाराज? सिर में दर्द है? फिर कुछ तो बता, न्यू कैसे पता चलेगा? न्यू तो सुमन, सुमन सुमन के बात हुई? तब इतनी दूर चले जाओ, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? अच्छा यह बात है, मैं समझा पता ना क्या होया, तो ना जाऊं फौज में? मन्ने ऐसा तो ना कहा। तो तुझे फौज में गया ले चलूं? ना ये बात ना से। तो केस है? मेरा मन घबरा रहा से, यहाँ क्या होगा? कुछ ना हो, मैं बीच में आने की कोशिश करूँगा और छुट्टी मिलेगी, मैं कोई सदा के लिए। तेरा मन कैसे लगेगा? मन को लगा, जाने वाले को रोके विदा नहीं करते। चल अब हंस 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 हंस। सामान सब देख भाल के बांध लिया? हाँ जी सब बांध लिया। देखे और जान तो देख लियो, कुछ रहा तो ना क्या? तो करमवीर कहाँ है? खुश रहना है, हंसते रहना। अगर तू ही ऐसे रहोगी आरती और पिताजी का ख्याल कौन रखेगा? मेरे पीछे उनका ख्याल तुझे ही तो रखना, ये जिम्मेदारी निभाने का टाइम है, समझ गई? ठीक है मैं चल रहा हूं, जाऊं। अब क्या हो गया? राजा के मन में भूल तो नहीं जाओगे? मैं वहां फौज की ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, जब तुझे भूलने की ट्रेनिंग पे। देख बस निकल जाएगी, अब मैं जाऊं। जो हुकुम मेरे आका। आरती भैया, मेरी गुड़िया के क्यों होया? पहली बार इतने दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हो भैया, घर सुना सुना हो जाएगा। मैं तो वापस आ जाऊंगा, लेकिन जब तू जाओगी फिर तो वापस भी ना आने की है। जब मैं वापस आऊं तो तू मुझे हस्ती खेलती होनी चाहिए। पिताजी का ध्यान रखती है। सब सामान ले लिया? हाँ भाई हमने तो सब ले लिया, तेरा इंतजार था। ट्रेनिंग पूरे ध्यान से करिए और यहाँ की चिंता बिल्कुल ना करिए। ही मैं और भिजवा दूंगा, पर खाले करिए। जब मैं वापस आऊंगा तो तू मुझे नई दुल्हन की तरह लाल जोड़े में मिल जाएगी। हो गया, हमें बड़ी खुशी है। हम तो फौज में के कहे में भी ना हो सकते, पर हमारा यार तो फौज में हो गया। देख भाई ट्रेनिंग करिए, खूब जीते, घर की ओर से जरा भी चिंता ना करिए। अच्छा देख भाई सेहत का रखिए पूरा पूरा ख्याल, और हर हफ्ते एक दो दड़ी घी जब कहेगा तभी भिजवा देंगे। पर एक बात का ध्यान रखिए भाई, ख्याल मारा भी रखिए,
एक आध बोतल जरूर ले आइए। अरे भाई ज्यादा सोच विचार में ना पड़िए, 6 महीने की तो बात है। अरे समझ गया मैं, पर आते रहियो, कभी यही गांव में ही पड़े रहो। चल भाई बस आ गई। ध्यान दे रही हो और पिताजी का ख्याल रखियो। ले भाई यू तो हो गया अपने इल्ले का। गवाही दूंगो दिल्ले गवाही, अब तो भगवान ही दिए तू गवाही जाकर की गवाही है, जज तो सुनाना है, भगवान जरूर सुन सके। वे, देख ले कोशिश करके वहां भी है? तुम रात को 9 बजे के बाद मुझे ऐसे निकटवा दो और 4 बजे से पहले मैं आ जाऊंगा। नहीं भाई ये तो बड़ा रिस्की काम है, तू टाइम पे ना आया तो। अरे यार हद कर रहा है, जब मैं कह रहा हूँ आ जाऊंगा। नहीं भाई गड़बड़ हो गई तो। यार कुछ गड़बड़ ना होवे। मान लो भाई को गड़बड़ ना हुई पर हम खामखा रिस्क क्यों लेवे। यार मैं तुम्हें दावत दूंगा जो तुम कहो। चलो भाई ठीक है। भाई ठीक है आकर हम देखते। तैयार है? हाँ मैं तैयार हूँ। कितने बजे? 9:15 तूने कल जा।
हाल सब ठीक तो से? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? मेरी याद आती? मन्ने आपके सिवा और याद कैसे? आप तो भूल गए होंगे। भूल गया जब ही तो जान जोखिम में डाल गए, तेरे तो मिलन आया हूँ। आप बैठो, मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। भूख पेट को नहीं दिल को लगी है, पहले जी भर के देख तो लूँ। वहाँ खाना तो टाइम पे खाओ, सो सेहत का ध्यान रखो। देखियो कैसे हो रहे हो, मैं आपके लिए कुछ लड्डू बनवा के भिजवा दूं। हे भगवान, मैं तेरे से मिलन आया हूँ या घी पीने आया हूँ? आरती और पिताजी ठीक है? डांटते तो नहीं? पिताजी तो देवता से और आरती के सहारे तो मेरा टाइम कट रहा से बड़ा सताती है, पर मेरा ख्याल अपने से भी ज्यादा रखे, हंसावे भी बहुत है। वो तो तेरा ख्याल रखे, पर तू भी तो अपना ख्याल रखे कर, देखे कैसी हो रही है। टाइम हो गया, अब मैं चलता हूँ। आजा बहुत खुश हो, के बात हो सके, कोई बात ना से। कोई बात तो जरूर है, पर तुम बताना रही। कोई बात हो तो बताऊंगी। मैं सुबह से ही देख रही हूँ आजा बहुत खुश हो, ऐसी बात कल तो ना थी, भाभी बता भी दो। के बताऊं? मैं बताऊं? हाँ बता। रात भी आए थे ना?
टोकड़ी फिर न्यू उठ बोली सुनियो मेरी बात। कुछ ना पिताजी, रोटी घाल दूं? ए ना, भूख सी ना लग रही, थोड़ी देर में घाल दिए। जी। ये करमवीर को ट्रेनिंग पे गए कितने महीने हो गए? महीने? अभी तो 18 दिन ही हुए हैं। अच्छा, अभी 18 ही दिन हुए? ऐसा लगा है करमवीर को तो गए बारह नहीं, कितने महीने हो गए? देख भाई, तेरा घर जाने के अलावा जो भी काम हम कर देंगे, तू हमें जहर भी देगा तो हम खा लेंगे, पर यू घर जाने की बात न कर। यार तुम तो मेरे क्या, अब तुम ही ऐसी बात करो। कुछ भी कह, पर यू नहीं चलेगा। पिछले 5 महीनों में 12 बार तू अपने घर जा चुका है और 12 ही बार हमने रात जाग के बिताई है। यार आखिरी बार कह रहा हूँ, फिर नहीं कहूँ कभी भी, बस एक बार भेज दो। देख तुम ही तो मेरे सच्चे यार हो। एक बार सुन या 1000 बार सुन, मना है तो मना है। यार मैं हर बार दावत ना दे रहा हूँ। हमें ना चाहिए तेरी ऐसी दावत। यार तो ना और के चाहिए नहीं तो बताओ। ये लो बेटा करमवीर आपकी चिट्ठी। याहू रख के हो गया, हमें तो बता क्यों रुक के दे रहा। हम पाप पढ़ने वाले हैं। पता नहीं ऐसी उल्टी आने हो रही से। बुखार तो ना हो गया? ना। तो क्या सिर में दर्द है? ना। देखिए चाची भाभी को क्या उल्टी सी आन को हो रही। अरे बुद्धू घर में मैं मेहमान आने वाला। मैं बुआ बनने वाली हूँ। और मैं दादी। याहू। ओ मेरी प्यारी भाभी। देख एक हाथ में नोटन की गड्डी और दूसरा में रिवॉल्वर, तो जो पसंद हो मौको अभी बता दे। फिर क्या होया डोगा भैया? अरे होना ही के था ही गो सारा पसीनम पसीना होगा। पसीने छोड़ गया? मैं बोलो दरोगा तू कोई डर रहा है? अभी गोली चल गई तो थोड़ी मैं कुछ कह रहा हूँ। अरे तुम्हारे काम करते रहिए, हम तेरी सेवा करते रहेंगे। फिर बोल रहा कुछ? कहन लगो को डोगा भैया, जो भी काम हो आप आदेश कर देना। अच्छा जी। मरना कहीं दरोगा ऐसा कह, मैं तेरे पर न्यार कटवा रहा हूँ। अरे थाने चौकी के मामले देखते रहिए। करे काम उसने डोगा भैया? काम? अरे अगर मैंने किसी कुत्ते ने भी पर्ची लेकर भेज दी ना, उसे भी वो सल्यूट करे सल्यूट। वाजी वाट डोगा भैया, मेरी बात इलाके में कौन गिर सका है? इलाके में? अरे पूरे स्टेट में बात कर। अच्छा डोगा भैया मैं तो चलता हूँ। अरे बैठ जा मुंगा, कहाँ जा रहा है? वैसे भी आजकल तेरे दर्शन ही ना होते हैं। ना भैया ना, ऐसी कोई बात ना है। मेरा दोस्त है एक करमवीर, वो ट्रेनिंग पूरी कर गांव आ रहा है, मैं उसके गांव जा रहा हूँ। अरे तो तड़की तो आओगा, तड़की तड़क चला जाइए। ना भैया तड़की तो मैं लेट हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा, तो हम भी चले। तुम भी चलो बेटा भैया। मैं कहा सारी टीम ही चल देगी, तेरा यार तुम्हारा यार क्यों रहा भटरा। चलो बहुत बढ़िया बात है।
चलो चलो तो चल, आज की रात तेरे ही नाम से। पिताजी पिताजी। हाँ। भाभी पूछ रही है सुबह खीर बनावे या हलवा। खीर या हलवा, तो दोनों ही बना लो। जी ठीक है। हाँ, सारा सारा सामान आ गया, कुछ रह गया? सामान तो सारा आ गया पिताजी। पूछ ले बहुत है। ताओ राम राम। हाँ जी सब ठीक है। करमवीर ट्रेनिंग पे के गया यार, तेरा तो इंगे को आना जाना ही बंद हो गया। आना कहता हूँ, तुम तो जानो ही हो खेती बाड़ी वाले को पूरी साल फुर्सत ही ना हो। हाँ भाई, खेती बाड़ी वाले का तो काम ही ऐसा है। पर तू बता यार, मुंगा आज मारी याद कैसे आई? कल था वो करमवीर आई रहा, तड़की वार हो जाएगी, मैं सोचा कि आज ही चलूं। डोगा भैया कहने लगे क्या हम भी चले, थारा यार सो हमारा यार। हाँ भाई, बात तो ठीक है। हटाओ तड़की तड़क स्टेशन जाने वाली बात हो तो गाड़ी है हमारे दौरे। ठीक है भाई, जैसे थारी मर्जी, मैं थारी रोटी पानी का जुगाड़ करवा दूं। अरे गिलास और पानी का जुगाड़ भी कर ले, दो पैग ही ले लेंगे। अभी करूं? अभी कर, और के तू जा रहा है गाड़ी में तो बोतल काट ला जा। तो यहाँ तो तेरे यार के आने की पूरी तैयारी चल रही है मुंगे है? भाई करमवीर आज तो घर जा रहा है, भाभी के बारे में तो कुछ बता दे। अच्छा के हाल मेरी घर आड़ी का, आके पूछोगे हाल मेरी घर आड़ी का, और ढूंगे ऊपर लटके गुच्छा ताली का। के पूछोगे हाल मेरी घर आड़ी का, आके पूछोगे हाल मेरी घर आड़ी का, और ढूंगे ऊपर लटके गुच्छा ताली का। के पूछोगे हाल कचिया कचिया गात जवानी जो बन की छलकाई, बिजली कैसा रूप लगे जिब बैरन ले अंगड़ाई। कचिया कचिया गात जवानी जो बन की छलकाई, बिजली कैसा रूप लगे जिब बैरन ले अंगड़ाई। अरे आग लगा दे तन मन में वा, हो आग लगा दे तन मन में वा, सूट पहर के जाली का। के पूछोगे हाल मेरी घर आड़ी का, हाँ के पूछोगे हाल मेरी घर आड़ी का, और ढूंगे ऊपर लटके गुच्छा ताली का। हाँ के पूछोगे हाल चांद मिला के उसका रंग बनाया होगा, हूर परी का गजब निराला ढंग बनाया होगा। सूरज चांद मिला के उसका रंग बनाया होगा, हूर परी का गजब निराला ढंग बनाया होगा।
हर केश खुले तो लागे सा हो केश खुले तो लागे सा लहरा नागण काली का के पूछो के हाल मेरी घर आली का आके पूछो के हाल मेरी घर आली का अरे ढूंगे ऊपर लटके गुच्छा ताली का हाँ के पूछो के हाल जे पे लागे जब तिरछी नजर लखा दे जग पर लोसी हो जा पल्ला छाती ते सरका दे बाड़ काल जे पे लागे जब तिरछी नजर लखा दे जग पर लोसी हो जा पल्ला छाती ते सरका दे और दिल में मेरे उसका फोटू हो दिल में मेरे उसका फोटू बड़रा नखरे वाली का पूछो के हाल मेरी घर आड़ी का हाँ के पूछो के हाल मेरी घर आड़ी का और ढूंगे ऊपर लटके गुच्छा ताली का Thank you.
बात यो है, अक मैं लुट गो, बर्बाद हो गो। तो तैले रखे पिताजी से बात करो। जान तो तेरे पे लिकड़ी है, पिताजी या मैं कहा करेगो? आप जाओ सो, या मैं शोर मचाऊं। ना ना, शोर ना मचाइए, लोग जाग जाएंगे। मैं ना चाहता किसी की नींद खामा खा खराब करी जा। देखिए, आप उनके दोस्त से, आपने ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आहा, भगवान ने कहा फुर्सत में बनाई होगी, थोड़ी सेवा का मौका हमने भी दे दे। पिताजी, बात हमसू हो रही है तो बीच में सोच रहे पिताजी का कहा मतलब है? ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरी भाभी को। अरे याकूब भी संभाल ले। पिताजी, 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 पिताजी। मैं तो वापिस आ जाऊंगा, लेकिन जब तू जाओगी, तू तो वापिस भी ना आने की है। जब मैं वापिस आऊं तो तू मुझे हंसती खेलती मिलनी चाहिए। जब मैं वापस आऊंगा तो तू मुझे इसी तरह नई दुल्हन की तरह लाल जोड़े में मिलनी चाहिए।
कहाँ थे जब ये हुआ? अरे मैं भी नहीं मरू था। तो आप मर क्यों नहीं गए ये होने से पहले? अरे मुझे चिंता मत समझ कर भी, मुझे योड़े से पहले मर गया। वाकई बहुत दुख भरी दास्तान है। करमवीर के साथ तो बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ओह माय गॉड। अब आप ही बताओ क्या हमने गलत किया है? नहीं नहीं, ऐसी हालत में तो कोई भी होता तो शायद यही करता जो तुम लोगों ने किया। तो क्या सारे अपराधी मार दिए? नहीं डॉक्टर साहिबा, अभी तो सिर्फ दो ही जालिम मारे गए। और बाकी? उनमें से एक तो जेल में बंद है, जेल ने उसकी जिंदगी बढ़ा दी है। और दूसरे का पता नहीं, उसे धरती खा गई, आसमान निकल गया, लेकिन कब तक छुपा। कहिए करमवीर जी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जान बची, उपकार है आपका। उपकार कैसा, ये तो हमने अपना फर्ज पूरा किया है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आपको आराम की सब जरूरत है, और जो दवाइयाँ मैंने लिख दी वो जरूर मंगा लूंगा। इस्लाम, तुम इन्हें छोड़ कर आओ। चलो डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, हम आपको इस तरह यहाँ लाए इस गुस्ताखी के लिए हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, शायद तुम भी अपनी जगह ठीक थे। अच्छा मैं चलती हूँ, इनका ध्यान रखना। अपना ख्याल रखना, इसे एक डॉक्टर का आदेश नहीं, एक दोस्त की सलाह समझो।
हेलो, ओ डैडी आप? नहीं नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं थी, आप चिंता ना करें, मैं ठीक हूँ, आप अपना ख्याल रखें। ओके डैडी बाय। डॉक्टर वंदना घर पर है? हाँ घर पर है, आइए। नमस्कार डॉक्टर वंदना। नमस्ते, आइए बैठिए, चाय लेंगे आप? मुझे कुछ पता लगा था। मैं आपको मतलब नहीं समझी। मैंने सुना था आपका अपहरण हो गया था। मेरा अपहरण हो गया था? तो क्या ये सच नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मैं तो ऐसे ही अपने एक दोस्त के यहाँ गई थी। चलो अच्छा हुआ, आप ठीक तो हैं, लेकिन आपका मोबाइल फोन भी बंद था। मोबाइल? ओह मोबाइल, मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं थी। चलो जो भी है, आप घर पर हैं, ठीक से हैं? अच्छा कट साहब, मैं चलता हूँ। अच्छा जैन सर, अजय बोल रहा हूँ सर। वो डॉक्टर वंदना जिनके अपहरण की हमें सूचना मिली थी, वो घर पर है, वो सही सलामत है। मैंने पूछताछ की है, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उनका अपहरण हुआ। सर मुझे लगता है ये डॉक्टर झूठ बोल रही है, इसके पीछे कुछ राज है। ठीक है सर, मैं वाच करता हूँ। ओके ठीक है सर। डोगा भैया, आजकल करमवीर ने तबाही मचा रखी है, उसने जिक्की और मुंगा को तो मार दिया, साथ में हमारे कई आदमियों को मार चुका है, मुझे तो छुपकर जान बचानी पड़ रही है। जिस दिन डोगा बाहर होगा उस दिन सारी कहानी खत्म हो जाएगी, मेरी रिहाई उसकी मौत का पैगाम बन जाएगी। जेल से निकलने के बाद डोगा की आंधी में वो फौजी पत्ते की तरह उड़ जाएगा यार, और मेरे आने का इंतजार कर। भगवान करे तुम जल्दी बाहर आओ। वो दिन दूर नहीं जब डोगा सारा हिसाब चुकता पड़ेगा, पर फौजी फौजी जैसे कीड़े मकोड़ों से भी लोग कभी कभी डरन लगे हैं। कमाल है। अब तू जा, कोई काम की बात हो तो बताना। चल बे, मुलाकात का समय खत्म हुआ। आए! मेरे किसी आदमी तक पंगा लेगा तो डिजाइन बदल जाएगा तेरे चौकटे का। तो जानता नहीं मैं किससे मुलाकात कर रहा हूं। अब जा तू, नहीं तो इसका मामला आज ही समेटना पड़ जाएगा। सुनाई देती है मुझे सुमन की, जीक सुनाई देती है मुझे आरती की, धिक्का रही है वो मुझे। मैं उन जालिमों को अब तक नहीं मार पाया, मेरा जीना भी कोई जीना है, छोड़ दो मुझे। मैं उन जालिमों का जब तक लहू ना पी लूं मुझे चैन नहीं आएगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वो जालिम मरेंगे, जरूर मरेंगे, वो थोड़ी देर छुप सकते हैं, भाग सकते हैं, मगर बच नहीं सकते। तुम इस तरह उसको दोगे तो क्या होगा? अगर मुझे पता लग जाए वो कमीना जमीन में छुपा है तो मैं जमीन फाड़ कर उसे निकाल लूंगा। भाई खेला आया है, तुम जाकर उससे मिलो। Thank you.
और पानी बहुत बढ़िया बढ़िया कैसे ना हो फौजी पैसे कल दो बोतल ली थी फौजी फौजी का नाम मत ले दिए ऐसी तैसी करनी है आज जान कर डोका हूँ दो पैक में बह गया के असली दारू का तो नशा ही हो रहा है नशा नशे में नहीं हकीकत कह रहा फौजी का तो बखत खराब आ लिया डोका बाहर और फौजी ऊपर बिल्कुल ऊपर जरा दिखा तो सही वो हाथ जो मेरी बहन के बदन तक पहुंचे मुझे माफ कर दो करमवीर भाई मर चुका है ओहो कितना खून बह रहा है इसकी चिंता मत करो एक कुत्ता तो मरा इस्लाम भाई अब तुम जाओ और डॉक्टर वंदना को फोन करो कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है खून अपने आप बंद हो जाएगा अपने आप बंद हो जाएगा कैसे अपने आप बंद हो जाएगा जब हम बंद करेंगे जब बंद होगा ना हेलो डॉक्टर वंदना स्पीकिंग हेलो डॉक्टर साहिबा मैं करमवीर का साथी इस्लाम बोल रहा हूँ करमवीर के हाथ से खून बहुत ज्यादा बह रहा है आप लोगों से कितनी बार कहा है किसे हॉस्पिटल में भर्ती कराओ लेकिन तुम कितने मूर्ख हो तुम उसे हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करा सकते तुम क्यों उसकी जान के दुश्मन बने हो अजी हम ले तो जावे पर वह कहीं जाने के लिए तैयार ही नहीं आप आ जावे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी देखो तुम लोग गलती कर रहे हो अगर उसके खून बहना बंद नहीं हुआ तो बाजू कटने की नौबत आ सकती है अजी हॉस्पिटल जाने के लिए करमवीर तैयार नहीं आप यहाँ आ नहीं सकती बताओ हम क्या करें अच्छा जरा मुझे सोचने दो ठीक है तुम उसे मेरे घर लेकर आओ आइए बाकी लोग वापस चले जाएं तो अच्छा होगा लेकिन यहाँ करमवीर भाई का ख्याल कौन रखेगा
मैं हूं ना। यहाँ बैठ और शर्ट उतार लिया। हाथ मुझे दिखाओ, ये खून कैसे बहा? एक कमीने को मारना बहुत जरूरी था। वाह, मतलब तुम बाहर गए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं इस हाथ का ठीक होना कितना जरूरी है? हाथ ठीक होना इतना जरूरी नहीं जितना उन कमीनों का मारना जरूरी है। उनको मारने से आगे भी कुछ है। लेकिन मेरे आगे पीछे सिर्फ वो हैं। अभी तुम्हें मालूम नहीं है ये घाव कितना गहरा है। इससे गहरा घाव भी है जो मेरे दिल में है। समय हर घाव को भर देता है, इंसान कोशिश तो करे। कौन है जो जीना नहीं चाहता, लेकिन जिसकी सांस ही तन से जुदा हो गई हो उसे कोई जीवन नहीं दे सकता। मैं दूंगी तुम्हें नया जीवन। अब आप लेट जाइए, इससे आपको नींद आ जाएगी। मैं पूछने आया था, अगर आपको किसी से खतरा है तो मैं आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम कर दूं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो आप जल्दबाजी ना करें क्योंकि इस क्षेत्र में करमवीर के गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, क्या करमवीर डाकू है? हाँ, क्यों? ऐसे ही मैंने सुना है कि वो फौजी था। हाँ सुना तो मैंने भी है, लेकिन अब वो बहुत बड़ा डाकू है इसलिए आपसे पूछ रहा था। आप है तो सही हमारा ध्यान रखने के लिए। हाँ हम तो हैं, पुलिस उसे दिन रात ढूंढ रही है, पता नहीं कहाँ छिपा है। खैर मैं चलता हूँ, आप फिर से विचार कर लें। घर में कोई मरीज है क्या? नहीं नहीं, वो कल्लू बीमार था, मेरा नौकर। ओह अच्छा, मैं चलता हूँ। वो अपना को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहा होगा, पर सजुना पता है कि उसकी मौत और मेरे बीच में सिर्फ ये सलाखें हैं, और ये सलाखें भी उसे बहुत ज्यादा दिन तक नहीं बचा सकती। मेरे क्रोध के ज्वालामुखी में ये सलाखें पिघल जाएंगी, और तब ऐसा शराब आओगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। गंभीर से कह दो, दोगा सिंह आ रहा है, वो भी आखिरी सांस गिनना शुरू कर दे। अब उसे दोगा संयमराज भी नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। एक क्या बात है, क्यों सुन रहे? आप दर्द नहीं लीजिए सर।
लगता है आप बहुत प्यार करते थे सुमन से। बहुत खूबसूरत थी क्या वो? तुम देखती तो तुम्हें पता होता। कल तुम्हारे पर्स में मैंने उसकी फोटो देखी। मुझे उसका नाम भी बेहद पसंद है। उसका नाम ही सुमन नहीं, वो सचमुच मेरे जीवन की बहार थी। उसके बिना करमवीर एक जिंदा लाश है। ऐसा क्यों सोचते हो? मुझे यकीन है तुम्हें सुमन की याद एक नए जीवन की ओर लेके जाएंगी। मैंने उसकी प्यार की शक्ति को तुम्हारी आंखों में देखा है।
देखो छुपी हुई आग है, बेजान तारों में भी बसे हुए राग है। अर्जुन नहीं पहचाना तो गौर तो देख ले। मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू ही तो है मेरे परिवार को बर्बाद करने वाले गिद्ध। गिद्ध? ये गिद्ध आज तेरी बची कुची आस को भी नोच लेगा। डबला अपना उस लाल ने कहाँ छुपा रखा है? रात कर में कहाँ छुपा बैठा है तू? मेरे दो आदमी को मार के घना सरघना समझ रहा है? चल रहे आवाज दे उसे, बुला चल। मौत को आवाज नहीं देनी पड़ती डोगा, वह समय पर खुद पहुंच जाती है। इसलिए तो मैं यहाँ आ गया हूँ कि उसे अपने पैरों तले कुचल के ये ड्रामा आज हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। शायद तूने सुना नहीं, जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है। बकवास बंद कर, बकवास बंद कर। नहीं 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 डोगा, नहीं, इन्हें मत मार डोगा, इन्हें मत मार डोगा, इन्हें मत मार डोगा, कुछ तो ख्याल कर। डोगा भैया, ये सारी खबरें क्रमवीर को देता है। अच्छा, तो तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि तुम भी इसे कुछ दो। इसे मत मारो जालिमो, इसे मत मारो। और कितना लाचार करेगा भगवान, इतना भी मत कर कि दुनिया का तुझसे विश्वास ही उठ जाए। Ha 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 ha
गई थी तुझे देखने के लिए। तुम्हारी भलाई है, पुलिस ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया है। इंस्पेक्टर, डोगा को मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। करमवीर, फजील बातों में समय नष्ट मत करो, इससे तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। करमवीर, गौर से देखो, तुम्हारे सभी साथी पकड़े जा चुके हैं। आ जाओ करमवीर, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। इंस्पेक्टर, मुझे बस डोगा चाहिए। करमवीर, हम तुम्हारे साथियों पर इनकाउंटर भी कर सकते हैं, हमें मजबूर मत करो, तुम बाहर आ जाओ, नहीं तो इन पर गोलियां चलवा दूंगा। रुको इंस्पेक्टर, मैं आता हूं। अपने हथियार नीचे डाल दो। करमवीर, तू कायर है, इस नीच को तूने जिंदा छोड़ दिया, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। करमवीर,
तू खाया रे। करमवीर तू खाया रे। तू खाया रे। तू खाया रे। तू खाया रे। मुझे विश्वास है करमवीर, जब तुम वापस आओगे तो पहले जैसे करमवीर बनकर आओगे। मेरी नींद उड़ा के ले गई तन्ने, कुछ भी खबर नहीं। सारा चैन चुरा ले गई तन्ने, क्यों कर सबर नहीं। खोया मेरी लौंग का ताड़ा, आई मन में शर्म घड़ी। मेरी नींद उड़ा के ले गई तन्ने, कुछ भी खबर नहीं।